का स्वागत है एजुपाक यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम जो जिक्र करने जा रहे हैं वो बेसिकली कवर करने जा रहे हैं सिलेबस, क्योंकि आप सभी को पता है रेलवे की ग्रुप डी की वैकेंसी आ चुकी हैं। बहुत सारी वैकेंसी हैं, करीब 65,000 के करीब का वैकेंसी है। वैसे 63,000 बोली जा रही है, बट वो मैटर नहीं करता। तो जल्दी से हम जो कवर करने जा रहे हैं वो कवर करने जा रहे हैं सिलेबस और एग्जाम का पैटर्न कैसा रहने वाला है, ठीक है। सो ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि सिलेबस कैसा है और एग्जाम का पैटर्न कैसा रहने वाला है। तो पहली चीज़ आती है कि आप देखिए, मैं आपके लिए थोड़ी सी मदद करने के लिए एक चीज़ करने जा रहा हूँ, वो ये है कि आप लोगों के लिए व्हाट्सएप का ग्रुप बनाने जा रहा हूँ, यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप। और आप मेरे को एड मी आर आर बी लिख के, एड मी आर आर बी, देखिए आर आर बी जरूर लिखें, ताकि मैं आपको स्पेशल रेलवे के लिए ग्रुप बना रहा हूँ, ताकि रेलवे वाले ग्रुप में डाल सकूँ, ठीक है। और ऐसे ऐसा लिख के व्हाट्सएप पर मेरे को 7876761066 पर भेज दें। चलिए आगे बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न की, ठीक है। और एग्जाम पैटर्न के लिए जरूरी है कि दो तीन चीज जान लेना कि किस तरह से कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम रहने वाला है। बिल्कुल सही बात है, कंप्यूटर बेस्ड रहेगा, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड का मतलब ये नहीं कि कंप्यूटर के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ऐसा नहीं, कुछ खास नहीं। कंप्यूटर बेस्ड नहीं, तो कंप्यूटर पे आपका एग्जाम होगा। सो सबसे पहली जो चीज़ आती है वो है जनरल नॉलेज। देखिए आपको मैं बता दूँ, एग्जाम बहुत सिंपल रहने वाला है, बहुत ज़्यादा सिंपल रहने वाला है। 10th बेस्ड एग्जाम होगा और बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे। तो अगर आपने कभी तैयारी की होगी अच्छे से, तो आप आराम से कुछ जो पेपर है निकाल सकते हो, आराम से जॉब ले सकते हैं। सो द थिंग दैट कम्स इन द माइंड इज दैट फर्स्ट थिंग, जनरल नॉलेज होगी 20 मार्क्स, अर्थमेटिक होगी 25 मार्क्स, जनरल इंटेलिजेंस 25 मार्क्स, एंड जनरल साइंस मीन्स 30 मार्क्स। सो ये चार सब्जेक्ट आपके रहने वाले हैं, जनरल नॉलेज, अर्थमेटिक एबिलिटी, जनरल इंटेलिजेंस एंड जनरल साइंस। अब देखिए, इसमें एक चीज़ आती है, बहुत गजब चीज़ आती है, दैट इज सिलेबस। देखते हैं, 90 मिनट का पेपर होने वाला है, तो मतलब बहुत टाइम आपके पास, ठीक है। 90 मिनट हैं आपके पास और 100 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। चलिए आगे बात करते हैं। थीम सिलेबस, थीम सिलेबस का मतलब एक तरीके से हम आउटलुक देख लेते हैं। तो सबसे पहली थिंग आती है मैथमेटिक्स, द सेकंड वन इज जनरल इंटेलिजेंस। देखिए दो चीज़ें, रीजनिंग बेस्ड एंड रीजनिंग एबिलिटी, ये दो चीज़ अलग अलग हैं, बट दोनों में बहुत डिफरेंस है। और देखा जाए तो अगर आपने कभी तैयारी की होगी, रीजनिंग पढ़ी होगी, तो दोनों अलग अलग चीज़ें होती है, रीजनिंग एबिलिटी और जनरल इंटेलिजेंस, ठीक है। आगे बात आती है जनरल नॉलेज और साइंस। तो ये अगर ये आप नॉर्मल नॉर्मल से सब्जेक्ट हैं, इन्हें कवर कर लेते हैं अच्छे से, तो आराम से आप कोई भी एग्जाम निकाल सकते हैं। तो पहली चीज आती है कि मैथमेटिक्स में क्या क्या आने वाला है। तो मैथमेटिक्स में देखिए, नंबर सिस्टम, एचसीएफ, एचसीएफ, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल, फ्रैक्शंस, रेशियो, प्रोपोर्शन और यूनिटरी मेथड, परसेंटेज, टाइम डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, एक्सप्लेन्ड कंपाउंड इंटरेस्ट फार्मूला, प्रॉब्लम्स ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंसुरेशन, अलजेब्रा, डेटा इंटरप्रिटेशन, पार्टनरशिप, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। अब देखिए, इसमें से कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे जो आप थोड़े से टफ हैं और जो छोड़ के जा सकते हैं, जैसे कि 13th मेंसुरेशन, 2D एंड 3D। तो देखिए ये 2D तक आ सकता है, मगर 3D का आपको करने की जरूरत नहीं है। देखिए 3D में भी आप बाहर की चीजों पे ना जाएं, वैसे क्यूब और क्यूबॉइड तो करके जाएं, ठीक है। मगर पेंटागन, हेक्सागन उनको ना करके जाएं, ठीक है, वो नहीं आएंगी। देन और सिक्योरिट एंड क्यूब रूट्स, ये बेसिकली बहुत बेसिक्स लेवल के होंगे, ऐसे बहुत हाई फाई क्वेश्चन आप नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका रहा मैथमेटिक्स का सिलेबस, और इसे आप चाहें तो प्रिंट कर सकते हैं। बाकी मैं बहुत जल्दी कोशिश करूंगा कि ग्रुप जो बनाएंगे हम लोग, उसमें आपको PDF भी अवेलेबल कराया करूँ टाइम टू टाइम। चलिए आगे बात करते हैं जनरल इंटेलिजेंस। जनरल इंटेलिजेंस में आती है आपकी रीजनिंग बेस्ड, जो पहला था वो उसमें है कि डेटा टेबुलेशन, इंटरप्रिटेशन, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सीरीज, एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स, डाटा इनसफिशियंसी एंड आर्गुमेंट प्रॉब्लम्स, अरेंजमेंट प्रॉब्लम्स बोलते हैं जिन्हें, है ना। तो डेटा इनसफिशियंसी को आप हटा सकते हैं, कोई कोई जरूरत नहीं थी इस डेटा इनसफिशियंसी की। बट होता क्या है कि जो पिछले जो RRB के एग्जाम जो हमने देखे, तो वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछ रखे थे, तो इसलिए सिलेबस में डालना जरूरी था, मगर आप इसे पढ़ के ना भी जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। आगे बात करते हैं जनरल नॉलेज। तो रिलेटेड टू द करंट अफेयर्स बहुत बढ़िया है, करंट अफेयर्स बहुत पूछे जाते हैं रेलवे के एग्जाम में। इंपॉर्टेंट डेज पूछ लिए जाते हैं, नेशनल एंड पॉलिटिकल अफेयर्स, स्पोर्ट्स एंड सिनेमा रिलेटेड चीज़ें, बुक्स, नॉवल्स, इंपॉर्टेंट ऑथर्स के नाम, ये बिल्कुल आएगा एक क्वेश्चन यहाँ से, फेमस पर्सनैलिटीज़ और इंडियन रेलवे। देखिए इंडियन रेलवे में आपको हेडक्वार्टर पूछे जा सकते हैं, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, इंटरनेशनल एंड नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। आगे बात करते हैं जनरल साइंस। इसमें PC और बायोलॉजी 10th लेवल के बस काफ़ी रहेगी। आपको मैं सलाह देता हूँ कि जो 10th लेवल के NCERT है वो लगा जाएं एक अच्छे से, और साइंस का कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं रहेगा इस बात की। और एक बार चैनल पे पड़ी हुई है 500 क्वेश्चंस की सीरीज, वो भी देख कर जाएं आप, ठीक है। आगे बात करते हैं रीजनिंग।
नंबर सिस्टम, नंबर सीरीज, बेसिकली ये रीजनिंग में आते हैं, नंबर रैंकिंग, अर्थमेटिकल रीजनिंग प्रॉब्लम। देखिए बहुत ज़्यादा टफ नहीं आने वाली है, तो पूरा पूरा का पूरा SSC वाला सिलेबस इन लोगों ने लिख रखा है। बाकी जो मेरे ख्याल से जो मुझे लगता है वो नंबर सीरीज होगा, एक डायरेक्शन का टेस्ट आएगा, एक कोडिंग और डिकोडिंग आएगी, और ब्लड रिलेशन आएंगे आपके, डिसीजन मेकिंग नहीं आएगा आपका, और मिरर इमेज भी नहीं आएगी मेरे ख्याल से, जो मेरे को लगता है। एम्बेडेड इमेज आ सकती है, ग्रुपिंग आइडेंटिफिकल फिगर आ सकते हैं, ठीक है, ये एनालॉजी आ सकती है, बस ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी तो मुझे नहीं लगता कुछ इसमें खास इंपॉर्टेंट है। बाकी उन्होंने सिलेबस में दे रखा है तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया। तो ये बेसिकली ये था आज का पूरा सेशन। चलिए विदा लेते हैं, और आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि आप ये जो ग्रुप है उसमें ज़रूर ऐड हो जाएं, हीरा नंबर 7876761066, इस पर एडमी RR भी लिख के भेज दें। इसमें मेरी कोई मदद नहीं होगी, बेसिकली आप लोगों की ही मदद होगी, क्योंकि आप लोगों को आपके ही तरीके के लोग मिलेंगे जो तैयारी कर रहे होंगे। चलिए आज का सेशन इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।